बार पहले भी कहा आपको, कंट्री की हमारी प्रीमियर एजेंसीज होती है जुडिशरी के अलावा। जुडिशरी का सम्मान तो अलग, सबसे सम्मान बड़ा है संविधान बचाने के लिए, पर जो प्रीमियर एजेंसी जो है फाइनेंशियल अनियमितताओं की हो या कोई क्राइम किया हो, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, वित्तीय अनियमितताओं का, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज क्राइम का, हर राज्य में कहते हैं कि आप जांच सीबीआई को दे दीजिए, ये क्रेडिबिलिटी होती है। आज उल्टा हो रहा है, तो ये आज जो स्थिति है वो चिंताजनक स्थिति, चिंताजनक स्थिति है। सवाल पीसीजी प्रेसिडेंट का नहीं है, सवाल मेरे सन का नहीं है, सवाल है कि पूरे देश के अंदर आतंक मचा रखा है, आतंक मचा रखा है। और जिस पर आतंक है, छत्तीसगढ़ में करीब साल पर से ईडी के लोगों ने, मैंने सुना है, वहाँ अपने फैमिली को शिफ्ट कर दिया, वही मकान वगैरह किराया ले लिए, क्योंकि रोज उनको छापेमारी करनी पड़ी, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 4-5 लोग जेल में बैठे हुए हैं वहाँ के आईएस वगैरह। ये जो आतंक मचा रखा है, ये सब संकेत नहीं है। दूतावास जी के घर में कल हमने दो कल हमने घोषणा करी गारंटी की, एक महिलाओं के लिए गृहलक्ष्मी योजना, एक हमने 500 रुपये गैस सिलेंडर का एक्सपेंस दिया। ये चाहते जी हम लोग कैसे महिलाओं को, पिछड़ों को, दलितों को, आम आदमी को राहत दें। कल किया और आज दो जगह छपे पड़ गए, और पीसी डिफेंड का छपे पड़ने मायने रखता है। एक पार्टी का मुखिया जिनको नोटिस भी नहीं दिया आपने, छपे पड़ कर पढ़ते हैं, आप नोटिस दिया नहीं, कोई केस दर्ज नहीं, कोई शिकायत नहीं, और शिकायत करने वाले कौन है, उनकी खुद की क्रेडिबिलिटी क्या है। कुछ लोग ऐसे हैं राजस्थान के अंदर जिनका काम धंधा यही है, अपने थोड़ी महीना एक टिकट लेने की खातिर पूरा मिला हुआ है, उनको काम ही सौंप रखा था साल भर से उनके बीजेपी ने, जाके ईडी में शिकायतें करो, गणपति प्लान जाके बैठ गए, 500 करोड़ के अंदर पड़े हुए हैं, आप बताइए। ईडी पहुंच जाती है, कल मान लो हमारे को नेता जाके धरना देगा कि इस कार्य के अंदर 800 करोड़ रुपए हैं, ईडी में आएगी। ये काम इनकम टैक्स का था, शिकायत इनकम टैक्स करते हुई कि मेरे को इतना मिली है कि गणपति प्लाजा की लॉकर से पैसा ब्लैक मनी है, इनकम टैक्स जांच करती, कुछ भी करती, ईडी का वहां क्या काम है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, आज दूतावास जी का छापा पड़ना मायने रखता है। किसान का बेटा है, लगा हुआ है, जब से वो राजनीति में आए तब से राजनीति कर रहे हैं, एसेंबली के अंदर विपक्ष में थे तो भी कमी नहीं रखी आवाज उठाने की समस्याओं को लेकर राजस्थान के, तो किसानों की हो, मजदूरों की हो, आम आदमी को, असेंबली के अंदर या बाहर उस व्यक्ति ने कभी कमी नहीं रखी। हमारी गवर्नेंस का जो है, जिस प्रकार रिफंड उन्होंने किया है, कोई कर नहीं सकता, और इसलिए टारगेट बनाया गया है, जो मैं कहना चाहता हूँ, टारगेट इसलिए बनाया गया, जितनी इसकी निंदा करें उतनी कम है। हम किसी गौर शब्द में निंदा करते हैं, वैभव गहलोत को कोई 5-10 साल में सुनता रहता हूँ, लोग शिकायत ईडी में करते करते, एक वो महाराष्ट्र के आए थे मेंबर पार्लियामेंट, एक्स मेंबर पार्लियामेंट, तब से सुन रहा हूँ मैं, और परसों कल नोटिस मिला, आज मैं जाके हाजिर हो ईडी के अंदर, कल नोटिस मिला, तारीख लगी 19 तारीख लगी हुई, कल 25 को नोटिस, 26 को आप हाजिर हो जाओ, तो क्या है, तो ये मजाक नहीं है क्या। ये हमको गवर्नर ने भी, हमारे नंदा साहब ने कहा, कांग्रेस पार्टी उसके नेता कोई गवर्नर वाला नहीं है, चाहे वो कितना ही ईडी का उपयोग दुरुपयोग करे, हमारे अंदर टीडी दल आता है, उस नेता से टीडी
जो पाकिस्तान से आता है सिटीजन, वो फैसला चिट कर जाता है, ईडी इनकी फैसलों को चिट कर जाएगी। ईडी जो है ना बीजेपी की ऐसी हालत खराब करेगी, गांव गांव बात फैल जाएगी कि टीडी दल की तरह ईडी का उपयोग कर रहे हैं, आप समझ जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो और आप इनके इतिहास देखिएगा, आपका आश्चर्य होगा इन्होंने कैसी मजाक बना रखी है और ये क्रेडिबिलिटी क्या रही है। दो हजार चार से 14 के बीच में जब यूपी गवर्नमेंट थी तो 112 सर्च की गई, 112 सर्च की गई, क्योंकि जेनुइन सर्च की गई थी, जेनुइन कंप्लेंट थी, इसलिए 112 मेरे 104 के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई। मतलब 112 सर्च और 104 चार्जशीट पेश कर दी गई, 93%। ये उसका काम था। अब क्या हो रहा है, 14 के बाद में 3010 जगह छापे डाले, छापेमारी की 3010, कहां तो 112 10 साल में और कहां 3010 9 साल में। इनमें 888 केसों में चार्जशीट से पेश की गई, मतलब 29%, 93% यूपी गवर्नमेंट में, क्योंकि जेनुइन छापेमारी थी, जेनुइन काम होता था, और 29% शेयर। इससे अंदाज लगा लीजिए, और कोई बीजेपी नेता से पाक साफ है, कोई कांग्रेस नेता जाता है बीजेपी में तो उद्धुल जाता हूं आपको मशीन में। और तो प्रधानमंत्री खुद जो बोलते हैं अजीत पवार के बारे में, एनसीपी के बारे में, करप्ट पार्टी है, बड़े आरोप लगाए। दो दिन बाद में वो शामिल हो गए सरकार में महाराष्ट्र में, अजीत पवार साहब बन गए, वित्त मंत्री बन गए। जिनके ऊपर चार थे उनको बना दिया खाने खजाने का मंत्री बना दिया, तो इसका आप क्या कहेंगे, एक क्लासिक एग्जाम्पल है। इतने मैं कहना चाहूंगा कि जो हालात बना रखे हैं इससे कोई घबराने वाले नहीं है, ये इनको गलत फहमी है। अभी तो हम और गारंटी देने जा रहे हैं, कल 5 गारंटी देने जा रहे हैं, 5 गारंटी उनको तैयारी करने की, 5 नेताओं को चुन ले पहले ही कि जब गारंटी कल देंगे उस पर तो कहां का छापे डालना है पहले तय कर ले। ये हालात है तो आप सोच सकते हो कि डेमोक्रेसी में अगर ऐसी सरकार पार्टी बैठी है दिल्ली में जो लोगों दिल जीतने के बजाय अपने कार्यों से, अपने व्यवहार से, अपनी नीतियों से, अपने कार्यक्रमों से, अपने सिद्धांतों से आप काम में हो, उसकी बजाय आप जो है आप गुंडागिरी कर रहे हो। गुंडागिरी ही है, ऊपर के दबाव के बगैर ना ईडी आ सकती है, ना सीबीआई, ना इनकम टैक्स जा सकती है।